नमस्कार दोस्तों, आज हम क्वालिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पे बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन इतनी सक्सेसफुल होती क्यों है और वो किस तरीके से अपने को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करती चली जाती हैं जो अपने सारे स्टेक होल्डर्स के लिए। तो बेसिकली क्वालिटी ऑफ स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है, इसका एक बैकड्रॉप मैं दे देता हूँ। रिसेशन के टाइम पे यूएन की एक रिपोर्ट में उसमें कहा गया था कि जो दुनिया के टॉप 25 एमएनसीज हैं उनका कलेक्टिव जीडीपी जो है वो 125 कंट्रीज के जीडीपी से बड़ा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इतना चीप कैसे प्रोड्यूस कर लेती हैं, इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे लगता है, वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी एफिशिएंट कंटिन्यूसली इवॉल्व क्यों होती रहती हैं। तो बेसिकली ये सब क्या है, इसके अंदर उनके सक्सेस क्या है, उनका क्रिटिसिज्म क्या है, वो कहाँ पे लैग बैक करती हैं, इसमें जैक वेल्च की थ्योरी है, वॉलमार्ट की केस स्टडी बहुत अच्छी है। तो बेसिकली इसमें क्यों इतना एक थॉट प्रोवोकिंग है ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चलिए हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है एक तरीके का, जो लीड करता है, ऑपरेट करता है ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलनी चाहिए। उसका जो एम होता है, जो ध्येय होता है, वह है कि कंटिन्यूसली अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, फो अपने कस्टमर्स पर फोकस रखें और एड्रेस करें अपने स्टेक होल्डर्स के लिए। स्टेक होल्डर्स यहाँ पर एम्प्लॉयर हो सकता है, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं और कस्टमर्स तो हैं ही हैं इसके जो सेंट्रल कोर है इसका। और क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो इन्वॉल्व करता है एम्प्लॉयज़ को डिसीजन में कि किस तरीके से क्वालिटी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको एफिशिएंटली रिमूव किया जा सके और एक कलेक्टिव तरीके से आगे बढ़ा जा सके। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो क्वालिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है ये फॉलोइंग चीज़ों को लेता है अपनी थ्योरी के अंदर। बेसिकली पांच चीज़ें हैं इसमें, तो ऑर्गेनाइजेशनल मेकअप, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, एम्प्लॉयज वर्किंग इन टीम्स और डेवलपिंग ओपननेस एंड ट्रस्ट। तो इसमें जो पहला पॉइंट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल मेकअप जो है, ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, इसमें कस्टमर्स होते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स है, तो पूरा एक सेपरेट डिसिप्लिन भी हो सकता है। तो इसमें हर एक इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव जो एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, मैनेजर्स हों या डिफरेंट वर्क सेक्शंस हों, उसमें सप्लायर का और कस्टमर्स का, तो एक बहुत बड़ी चेन होती है। इस चेन को एफिशिएंटली रन करना और मैनेज करना और इसमें जितने हिंड्रेंसेज आती हैं, जितनी मुश्किल आती हैं, उनको सक्सेसफुली ओवरकम करना, तो ये एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑर्गेनाइजेशनल मेकअप। इसको समझना और इसको रन करना और एफिशिएंटली रन करना, इसमें बहुत फ़र्क आ जाता है। और अच्छा सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस की हिस्ट्री है, लेगेसी है, वो इनको बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। और दूसरा आपका क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो मीटिंग द कस्टमर्स रिक्वायर्ड एंड प्रायोरिटी गोल है इनका जो, और उसमें की ऑर्गेनाइजेशनल सर्वाइवल एंड ग्रोथ, इसमें सबसे बेहतर कैसे प्रोड्यूस करें और उसको सबसे चीप से चीप कैसे दें, उसकी एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, ये सारी की चीज़ें, और कंपटीशन, ग्लोबल मार्केट्स को कैप्चर करना, अपने मार्केट शेयर को बरकरार रखना। तो ये जितनी है इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का ले लें तो इसमें ओलिगोपॉली, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इन चीज़ों से कैसे निपटना, अगर कोई मोनोपोलिस्ट हो जाता है तो बाकी ऑर्गेनाइजेशनल के लिए क्या फ्यूचर हो जाता है। क्योंकि रिसेशन के टाइम पर ही हम बात करें तो उनमें डेली 17,000 ऑर्गेनाइजेशन बंद हो रही थी। ये सीनेट की रिपोर्ट, सीनेट को रिपोर्ट प्रोड्यूस की गई थी, उसमें 17,000 अगर SMEs आपके जो हैं वो रेडी बंद हो रही हैं, आपके स्टार्टअप्स इंक्लूडिंग है उसमें, तो आफ्टर रिसेशन। तो बेसिकली ये क्यों ऐसा हो रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करती चले जा रही है, दूसरी नहीं कर रही। इसमें कई बार हो सकता है आप क्रोनी कैपिटलिज्म कहें या कहें, लेकिन अगर हम इसको थियोरेटिकल परस्पेक्टिव से देखें तो ये क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इवॉल्व करना, बरकरार रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ने ये चैलेंज को बार बार मीट किया है, सक्सेसफुली ओवरकम किया और उसमें अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश किया। तो बेसिकली इसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन गुड्स एंड सर्विसेज और एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग इन टीम, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत चल रही है, R&D तो एक बहुत क्रूशल डिपार्टमेंट है। हम जेपी मॉर्गन की बात करें, एक रिपोर्ट में मैंने कहीं पर पढ़ा था 3-4 साल पहले कि वो कम से कम जो है $9 मिलियन जो है वो खर्च करते हैं सिर्फ अपने सिक्योरिटी को रखने के लिए, ताकि जो उसके कस्टमर्स हैं वो ऑनलाइन सिक्योरिटी को कर सकें। तो इतना पैसा जो है वो क्यों जा रहा है इन चीज़ों में, क्यों आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट जा रहे हैं, क्यों आप टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड होती जा रही हैं, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इससे थिंकर्स बनेंगे, आपके जो लेटेस्ट चीज़ें हो रही हैं। तो बेसिकली अगर आप इसका आधार समझ गए तो आपको काफ़ी सहूलियत हो जाएगी, इसके बाद सिक्स सिग्मा आ जाएगा, काइजन आ जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसके बाद जो इसका चौथा पॉइंट है, एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन टीम्स, आपके कोर टीम्स बनती हैं, वो सक्सेसफुल टारगेट्स मीट किए जाते हैं, जैसे सेल्स का प्रेशर तो होता है ये सब पे, तो बेसिकली उनको हैंडल कैसे करना है। और फिर इसमें डेवलपिंग ओपननेस एंड ट्रस्ट, ये कस्टमर के पार्ट पे भी, एम्प्लॉयर के पार्ट पे भी और एम्प्लॉयज़ के पार्ट पे भी। तो बेसिकली जो हम इनकी सारी बातें कर रहे हैं, ये क्वालिटी स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ये सारा कुछ आपका आपको पढ़ना पड़ेगा, इन पांच सेटअप्स को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपका काइजन आ जाएगा, इसके बाद आपके जो है काइजन अप्रोच है, इसके बाद आपका री इंजीनियरिंग अप्रोच है, फिर इसमें आपका बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है। री इंजीनियरिंग में चाइना का जो रोल है वो काफ़ी है, जर्मनी जानता है लेकिन ए कैन नॉट डू इन, वो क्यों नहीं कर पाता। फिर इसमें एक डेवनपोर्ट का 5-स्टेप अप्रोच टू बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। चलिए आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।